उदय भाई, उदय भाई, क्या हुआ इसको? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? उदय भाई वो आपके खेत में? खेत में? खेत में? खेत में क्या है? अरे आप चलो तो। अरे चलो चलो चल के देखते हैं। चलो चलो निकलते हैं। अरे 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 बाप रे, क्या है वैसे? क्या करे, पकड़े क्या? पर ये तो बहुत तेज है भाई। अरे भाई ये सुनो, ये चीता मैंने ही रखा है खेतों में। क्या? क्यों? ताकि खेत साफ रहे। हाँ? चीता कभी घास फूस खाता है क्या? जब आप खेतों में खरपतवार की दवाई डालते हो, तब खरपतवार पूरी तरह से खत्म होने में इतना समय लेता है कि तब तक वो सोयाबीन और मूंगफली का पूरा खुराक खा जाता है, और दवाई अच्छी ना हो तो बार बार फवारनी पड़ती है। इसलिए मैंने चुना है ये चीता। अच्छा, चीता मतलब? मतलब सिंजेंटा का फ्यूजीफ्लेक्स, जो चीते की रफ्तार से सोयाबीन और मूंगफली के खेतों से खरपतवार को खत्म कर देता है। बस 2-3 दिनों में ही खरपतवार खत्म। सच में खरपतवार पर नियंत्रण करने में इसका कोई मुकाबला नहीं। पर कुछ लोगों का ये कहना है कि ये फसल पे बुखार लाता है। अरे भाई बुखार तो हर दवाई देती है। देती तो सभी है, और नुकसान भी लंबे समय तक रहता है। फ्यूजीफ्लेक्स की यही तो खूबी है कि 4-5 दिनों में ही नए स्वस्थ साफ और हरे भरे पत्ते निकल आते हैं। ये तो अद्भुत है फिर। सच में यार आपने सही चुनाव किया फ्यूजीफ्लेक्स का इस्तेमाल करके। सही कहा। इसका छिड़काव अकेले ही करना है। अच्छा, इसमें चिपको या अन्य और कोई दवाई मिलाने का झंझट ही नहीं है। तो ये बढ़िया ही है और आसान भी। फ्यूजीफ्लेक्स छिड़काव का सही समय 3-4 पत्ती का खरपतवार, दवा की सही मात्रा 400 मिलीलीटर प्रति एकड़, पानी की सही मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़, छिड़काव करते वक्त खेतों में सही नमी हो। छिड़काव करें सिर्फ नैपसैक स्प्रेयर फ्लैट फैन या फ्लडजेट नोजल के साथ, या ट्रैक्टर से कई सारे नोजल के साथ। समझ गया, जितना मेरे खेतों के लिए सिंजेंटा का फ्यूजीफ्लेक्स जरूरी है, उतना ही जरूरी है उसका सही इस्तेमाल। हाँ। अगर खरपतवार को करना है खत्म, हाँ, और फसलों को रखना है फुर्तीला, तो लाना है सिर्फ सिंजेंटा का फ्यूजीफ्लेक्स। सिंजेंटा का फ्यूजीफ्लेक्स नष्ट करे खरपतवार चीते की रफ्तार।